मेरठ में जर्जर हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से दो लोगों की करंट लगने से मौत। पिता पुत्र ने करंट लगने के बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। स्पोटा में भामाशाहों के सहयोग से प्रधानाचार्य ने कंप्यूटर लैब को तैयार कर लिया है, जिससे अब छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान मिलना शुरू हो गया है। रामपुर जिलाधिकारी अंजन कुमार सिंह ने टांडा तहसील के गांव नगलिया कासिमगंज गांव का निरीक्षण किया और विकास कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया। भीड़ में चंबल नदी पुल पर अगले 3 दिनों के लिए यातायात को बंद कर दिया गया है। बता दें कि भारी वाहनों के पुल से गुजरने पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। मुरैना के महादेव नाका रेल पटरियों पर एक सुपरफास्ट सवारी गाड़ी ने महिला और 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे महिला और 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक छोटा बच्चा पैर कटने की वजह से घायल हो गया। यूपी के मेरठ में छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। यह छात्रा दबंगों की इस हरकत से इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो घर में कैद रहने को मजबूर है। राजस्थान के बाड़मेर में भ्रष्ट अधिकारियों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। बताया जा रहा है कि लोग यहां भ्रष्ट अधिकारियों के वीडियो भी वायरल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देवरिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। सिद्धारपुर के तिहारी गांव में 2.25 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।